हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्लीपियस वेलनेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नई और ओल्ड आईटी पर प्रोडक्ट परचेज या प्रोडक्ट का ऑर्डर आप कैसे सेव करें, उसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कृपया करके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, नई आईडी पर आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे करना है, नई और ओल्ड आईडी पर प्रोडक्ट आपको कैसे मंगवाना है कंपनी से, कैसे आपको आईडी को ग्रीन करना है, कैसे आपको आईडी पर प्रोडक्ट रीपरचेज करना है और आईडी पर बिल अप्रूव कैसे करना है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं एसलीपीएस वेलनेस पर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से आपको बेनिफिट क्या होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन, और जैसे ही नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो कृपया करके ये ज़रूर आप करें। तो दोस्तों चलो, आज आप शुरुआत करते हैं नई आईडी और ओल्ड आईडी पर प्रोडक्ट ऑर्डर करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, अपनी जीमेल आईडी को ओपन करना है। जीमेल आईडी को ओपन करने के बाद में आपको नीचे आपको पेंशन का आइकन शो हो रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको दोस्तों कंपोज ऊपर शो होगा, उसमें आपको टू में कंपनी की आईडी, आप लोगों को आपको पता है आईडी ग्रीनिंग एट द रेट एस्क्लिपियस वेलनेस डॉट कॉम, इस आईडी पर दोस्तों आपको मेल करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट में आपको अगर आईडी ग्रीन करना है तो आईडी ग्रीन टाइप करना है, अगर आईडी को बिल अप्रूव करना है तो आईडी ग्रीनिंग की जगह आईडी आप बिल अप्रूव लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको कंपोज ईमेल पर यहाँ पे एक रेस्पेक्टेड सर और मैम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद में आपको यहाँ सिंपल एक टेक्स्ट मैसेज आपको टाइप करना, प्लीज़ ग्रीन द फॉलोइंग आईडी, या ग्रीन नहीं करना तो आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना प्लीज़ अप्रूव द बिल फॉर फॉलोइंग आईडी। उसके बाद में दोस्तों जो भी आपको आईडी ग्रीन करनी है, उस आईडी का नंबर या डिस्ट्रीब्यूटर कोड या लॉग आईडी नंबर आपको टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आईडी टाइप कर रहा हूँ 67, जो भी आईडी आपको ग्रीन करनी है सिंपल ये आईडी टाइप करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक सीक्वेंस है दोस्तों, ये आपको पक्का याद रखना है। पहले आपको आईडी नंबर टाइप करना, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अमाउंट, आईडी का अमाउंट कितना है, आईडी अमाउंट लिखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे टोटल एसपी आपको टाइप करना है। टोटल एसपी के बाद में दोस्तों आपने कंपनी के अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, डिपॉजिट अमाउंट। उसके बाद में दोस्तों आपने कंपनी के कौन से अकाउंट में पैसा जमा कराया है, बैंक नेम आपको टाइप करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट डेट, आपने कंपनी के कौन बैंक में कौन सी डेट को पैसा आपने जमा कराया। उसके बाद में दोस्तों सिंपल आपको अगर आईडी ग्रीन करना है तो यहाँ पे आईडी ग्रीन टाइप करना है, अगर आईडी पे बिल अप्रूव करना है तो सिंपल बिल अप्रूव लिखना है। ये है दोस्तों सीक्वेंस, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है लॉग आईडी, आप देख रहे हैं ये आपको टोटल सीक्वेंस रहेगा। इसी सीक्वेंस से दोस्तों आपको आईडी ग्रीन करना है, इसको मैं सिंपल में बोल्ड कर देता हूँ, आप देख रहे होंगे। बोल्ड करने का प्रोसेस क्या है, आपको इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, जिस भी आपको एरिया इसको बोल्ड करना है। एंटर करके सिंपल रिगार्ड्स, आप अपना नाम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अपना नंबर भी टाइप कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कंपनी आपको कॉल भी कर सकती है और रिप्लाई भी कर सकती है। तो दोस्तों ये कंप्लीट सीक्वेंस है, ये जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है दोस्तों, उसके बाद में आप एरो के साइन के पास में आप अटैच फाइल का एक आइकन आपको शो होगा, उसके बाद में आपको फाइल अटैच करनी है, कोई भी फाइल आप दोस्तों आप अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको बैंक डिपॉजिट स्लिप है। उसके बाद में दोस्तों सिंपल यहाँ पे आईडी ग्रीनिंग का एरो आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये सेंड करेंगे दोस्तों, एक मेल आपको सेंड हो जाएगा, जैसे एक से ज़्यादा
ज़्यादा आईडीज़ को आपको ग्रीन करना है या बिल अप्रूव करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है उसका मैं आपको सिंपल बताता हूँ दोस्तों। उसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, ये मैंने कॉपी किया, आप देख रहे हैं, सिंपल मैं कंपोज पे क्लिक करूँगा, उसके बाद आईडी ग्रीनिंग एट द रेट असली बेस। और आप चाहें तो बेस्ट रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा, आप अपने सीनियर की ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। सिंपल आपको अपने सीनियर की ईमेल आईडी को अटैच करना है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, करो यहाँ पे सिंपल आप आईडी ग्रीन टाइप किया, उसके बाद कंपोज मेल में जस्ट मैं एज इट इज फॉर्मेट को पेस्ट कर दिया। ये आईडी नंबर हो गया, उसके बाद अमाउंट हो गया, ये एसपी हो गया तीसरे नंबर, उसके बाद में डिपॉजिटेड अमाउंट हो गया, उसके बाद में बैंक नेम हो गया, उसके बाद में डेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, उसके बाद में आईडी ग्रीन। अगर सिंपल यही एक से ज़्यादा हो, मल्टीपल में हो, तो आपको एक कॉपी करना है, उसके बाद सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे आईडी नंबर चेंज हो जाएगा, जो भी आपकी आईडी सेकंड है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे एसपी अगर डिफरेंट है तो एसपी डिफरेंट हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे आपने कंपनी के अकाउंट में जो डिपॉजिट अमाउंट कराया है वो यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद बैंक नेम अगर आईसीआईसी में कराया तो आपको यहाँ पे आईसीआईसी टाइप करना है। अगर इस आईडी का अमाउंट, ये अमाउंट आपने अगर 3 को नहीं 4 को डिपॉजिट कराया, 4 अगर आईडी ग्रीन है तो आईडी ग्रीन, अगर आईडी रिपर्चेज करना आईडी तो यहाँ पे सिंपल आईडी पे यहाँ पे लिखना है आपको आईडी बिल अप्रूव। दोस्तों जैसे ही आप कंप्लीट टाइप करते हैं, उसके बाद में आपको एरो आइकन के पास में अटैच फाइल का आइकन शो होगा, उसको बाद में आपको अटैच फाइल करनी है, जो भी आपकी फाइल है उस फाइल को आपने अटैच किया, जो आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। अगर आपके ने एक से ज़्यादा के पास में स्लिप हैं तो एक से ज़्यादा आपको फाइल अटैच करनी है, आप मल्टीपल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मल्टीपल में सिलेक्ट करके बताता हूँ, आप देख सकते हैं, आपको सिंपल सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने 2 फाइल सिलेक्ट की हैं, अगर 3 हैं तो 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको सिंपल एरो आइकन पे क्लिक करना है, ये सेंट का आइकन होता है दोस्तों, मेल सेंट का, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपका मेल कंपनी में सेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल प्रोसीजर आईडी ग्रीन और प्रोडक्ट ऑर्डर करने का या आईडी पर रीपरचेज करने का। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।